दिखाना चाह रहे हैं ना वो नहीं हो पाएगा जो आप दिखाना चाह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, आप पूरी मीडिया पर देखिए, आप इतने लोगों को देखिए, आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या क्या बात है, अगर आपको अपनी बात रखनी है तो चार लोग बात करेंगे, मुझे और उनसे बात नहीं करनी। आप पहले 20 मिनट बाद बात करूंगा, छोटी छोटी अभी आप किनारे हो जाएंगे तब साइड में हो जाएंगे। बंगनेर कोतवाली पहुंचे हैं, क्या मामला है जो भीड़ लेके आप पहुंचे हो यहाँ पे? भीड़ लेके इसलिए पहुंचे हैं कि जो उन्होंने मेरे ऑफिस में आके बदतमीजी की है खुलेआम, उसको बताने के लिए कि हमारे साथ जो है सभी अध्यापक हैं। किसने करी बदतमीजी, नाम तो बताओ। ये डॉक्टर अनिल शर्मा जी के द्वारा जो बदतमीजी की गई ऑफिस में आकर, जो हमारे यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, उनके द्वारा एक कंप्लेंट दर्ज की गई पहले, उसके बाद हमारे द्वारा दर्ज की गई कंप्लेंट, तो उसको हम अपनी बात कहने के लिए आए थे। और उसमें हमारे जो है जो थाना अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, उन्होंने काम में एक जांच समिति बना दी है और वो जल्दी ही आपसे बात करेगी और साक्ष्य प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा था कि बदतमीजी उनके साथ हुई है, जी अनिल शर्मा जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल साहब हैं, कुछ लोग हैं, उनके द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई है, गाली गलौज की गई है, मारपीट की गई है, उसको लेकर क्या? देखिए, अगर बाय द वे वो सीसीटीवी फुटेज मिल जाती तो उसमें दूध का दूध पानी पानी हो जाता, लेकिन क्योंकि पानी भर गया था उसके अंदर, डीवीआर खराब हो चुकी थी, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अभी उनके जो दो गवाह हैं उसकी फुटेज अभी भी मिल सकती है कि वो है आए ही नहीं कॉलेज में और वो गवाह बन चुके हैं। वो कह रहे हैं जो कुलवीर जी नामक व्यक्ति जिनके साथ मारपीट गई है, वो 7 साल पहले वहां से रिटायर ले लिया, क्या करने आते हैं कॉलेज में? वो कॉलेज में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको नियुक्त किया गया है, क्योंकि उनकी सेवाओं को देखते हुए उनको नियुक्त किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, इसलिए वो आते हैं कि भाई एक्सपीरियंस आदमी रखना हर कोई चाहता है, इसीलिए आते हैं। जो मांग थी गिरफ्तारी को लेकर थी, जी गिरफ्तारी को लेकर थी, असली मांग ये भी थी कि उनके खिलाफ जो है आप केस दर्ज कीजिए। ठीक है, गौतम सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर जो बीएसएम संस्थान के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सभी यहाँ पर आप पहुंचे हैं, किसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहुंचे, क्या मामला सर यहाँ पर? देखिए, आज हमने अपनी बात रखने के लिए हम आए और हमने अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में रखी और हमारी बात सुनी भी गई। हम जब एक महाविद्यालय के जब प्राचार्य या प्रधानाचार्य के कक्ष में ऐसी अराजकता हो जाए, अनुशासनहीनता हो जाए, तो उसके बाद में फिर कोई अनुशासन किसी संस्था का नहीं बचता, ऐसा मेरा मानना है। जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये सब शिक्षक और जो हमारे साथ कर्मचारी गण आज आए हैं उसकी सभी ने निंदा की है महाविद्यालय में, और हम फिर सभी की मांग को देखते हुए तो हमने अपनी बात यहाँ पे रखी। हमारे जो कॉलेज का जो मुद्दा है, जो कुछ लोगों ने कुछ समय से ऐसी स्थिति बना रखी है कि कभी कॉलेज का नाम ये था वो था, मैं आप लोगों को सभी बताना चाहता हूँ जिसमें आप लोग भी भ्रमित हो रहे हैं, कि हमेशा बीएसएम कॉलेज की ही मार्कशीट और डिग्री मिली है। अगर किसी अन्य नाम से कोई डिग्री या मार्कशीट जारी हुई है विश्वविद्यालय से या कॉलेज से, कोई ऐसी घटना हुई है तो आप उसे हमारे सामने लेकर आए, तभी तो दोष होगा। उन्होंने जो मैं वीडियो के माध्यम से जो देखा तो वो कुछ बाहरी लोगों को लेके महाविद्यालय में आए, जबकि बाहरी लोग क्या है, सम्राट सम्राट जिसमें था वो खुद भी बयान कर रहे हैं कि भाई मैं वहाँ पे उपस्थित था, तो भाई वे वहाँ के कर्मचारी नहीं है। हमारे यहाँ से भी वो महिला उत्पीड़न में कार्यस्थल पर टर्मिनेट किए गए थे, केस अभी हाई कोर्ट और उसमें है। दूसरी अनिता जी है, उनका भी सुप्रीम कोर्ट में केस है। तीसरे अनूप हैं, उनकी जांच चल रही है। एक चौथे पालीवाल जी हैं जो किसी संस्था में पास में जो राइसी स्थान है वहाँ पे थे, वो पहले हमारे यहाँ कार्यरत थे, उनकी भी जांच चल रही है।
कि भाई किस योग्यता की संबंधी कुछ जांच है जो आरटीआई से लगभग 10-11 आरटीआई हमारे पास आई थी, हमने उनसे भी कहा था कि भाई आप इसमें पक्ष रखें, उन्होंने उसमें कोई भी पक्ष नहीं रखा, तो सब जांच के विषय है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने प्राचीन जो है 1962 से जो संस्था चल रही है, संचालित है, आप उसकी छवि खराब करेंगे देश देश में। मांग आज आप कर रहे हैं ये डॉक्टर अनिल शर्मा जी की है या जो उन लोगों की है जो संस्था का विरोध कर रहे हैं? नहीं नहीं, जो लोग इस घटना में शामिल थे हम तो उनकी गिरफ्तारी करते हैं। नहीं वो सब नहीं नहीं, वो सब वीडियो में खुद देखी है, सम्राट शर्मा खुद कह रहे हैं कि मैं वहाँ मौजूद था, तो वो किस हैसियत से इंटर कॉलेज में मौजूद थे, किसने उनको बुलाया, ये सब मुद्दे हैं, ये सब जांच में पुलिस देखेगी। गिरफ्तारी जो मांग है उसमें नाम बताओ, जो गिरफ्तारी एक जो लोग जितने भी जितने भी लोग इसमें थे जांच में आए, मैं मुझे नहीं पता मैं था नहीं कि भाई उसमें उस समय कौन था। जो वीडियो से मैं आप लोगों के माध्यम से जो वीडियो डाली गई है उसमें देखा है कि भाई ये लोग थे उसमें, तो जो लोग इस घटना को अंजाम देने के लिए वहां पे गए हम उन्हीं की कहते हैं कि भाई उनकी गिरफ्तारी करी जा और उन पे विभागीय कार्रवाई भी हो और पुलिस द्वारा जो कार्रवाई हो ये सब। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज कोतवाली में पहुंचे आप यहाँ पर, जिस तरह से गिरफ्तारी की मांग आपके द्वारा की गई है जो मुकदमा दर्ज खिलाफ करवाया गया है बेसम संस्था द्वारा आपके द्वारा, मेरे द्वारा परसों प्रधानाचार्य मोदी ने जो लिखित तारीफ दी थी, परसों हम लोग यहाँ आए थे और बीएसएम इंटर कॉलेज का पूरा स्टाफ इस बात से शुभ है कि प्रधानाचार्य महोदय और उनके साथ जितने शिक्षक बैठे हुए थे वो भी प्रमाण है कि उनके साथ अभद्रता हुई है और इस तरह की अभद्रता एक शिक्षक को शोभा नहीं देती है। उसी को लेके आज सभी शिक्षकों ने ये तय किया कि प्रिंसिपल साहब के साथ हम लोग जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेके कोई नहीं आया है, ये सब टीचर्स की सब कर्मचारियों की भावना है, अपने प्रधानाचार्यों को सपोर्ट है कि हम आपके साथ जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। सर ये जो आज यहाँ पर लोग आए हैं कोतवाली में, ये स्टाफ बीएसएम के स्टाफ है या फिर यह समाज के लोग, जिसको बताया जाए? आप मीडिया से हैं और ज्यादा कदा बीएसएम में आते रहते हैं, आप स्वयं भी देख सकते हैं कि पूरा स्टाफ है हमारा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है और केवल हम स्टाफ के नाते ही अपने प्रधानाचार्य महोदय के साथ आए। मैनेजमेंट के द्वारा आज यहाँ पर आप आए? नहीं, मैनेजमेंट का इससे कोई मतलब नहीं है, मैनेजमेंट अपना काम करती है। प्रधानाचार्य कक्ष में अभद्रता हुई है, प्रधानाचार्य कक्ष में अभद्रता हुई है, प्रधानाचार्य शुभ है इस बात से और प्रधानाचार्य के शुभ होने से कर्मचारी भी शुभ है और वो अपनी कर्मचारी अपनी बात रखने आए हैं प्रधानाचार्य के साथ, प्रधानाचार्य के समर्थन में आप पहुंचे हैं। जी जी, और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे संस्थान को, बीएसएम शिक्षण संस्थान को जो बदनाम करने की साजिश हो रही है वो कामयाब नहीं होगी। सभी कर्मचारी खुश हैं, ये कहा जाता है कि कर्मचारी वहां परेशान हैं, उनको परेशान किया जाता है। अगर परेशान किया जाता है तो इतनी भारी मात्रा में जो कर्मचारी यहाँ आए हैं तो वो क्यों आते? सर क्या ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, हमारे संस्थान को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और संस्था किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी संस्था उसकी माँ होती है, माँ से भरण पोषण होता है और वहाँ के बारे में किसी भी कर्मचारी को नहीं सुनना चाहिए और ना हम सुनेंगे। आपकी कोतवाल साहब से बात हुई है, पुलिस ने क्या बोला आपको? प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर गौतम वीर जी, प्राचार्य डॉक्टर ममता जोशी जी के साथ मैं था, विकास धीमान जी मेरे साथ थे। कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैंने जांच अधिकारी बिठा दिए हैं और वो निष्पक्ष जांच करेंगे और बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई है, वो हमारी बातों से संतुष्ट हैं, हमने जो उन्हें बातें बतानी थी हमने बता दी हैं, तो अब जाँच का विषय है, अब देखिए। जी मैडम क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं? सर हम आए हैं जो संस्था को बदनाम करने की जो लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं, मैं तो उनको यही बोलूँगी कि अनैतिकता अनैतिक जो तत्व हैं जो इस प्रकार के संस्था के कार्यों में शिक्षण कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, हम लोग उनके खिलाफ आए हैं कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो। कौन लोग हैं? हाँ सर क्या कहते हैं उसको, ये है सतीश शर्मा, बिट्टू शर्मा और तीसरे अरुण कुमार, जो तीनों हैं।
ठीक है। एक मामला और दूसरा भी है कि डॉक्टर नील शर्मा द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मारपीट का अभद्रता को लेकर प्रिंसिपल से, उसको लेकर के चल रही है जांच चल रही है, उनका एफ आई आर दर्ज हुई है। पर हम लोगों का जो यहाँ आने का मकसद था वो बीएसएम के नाम को जो बदनाम किया जा रहा है, जो फ्लैक्स लगी है उसके विरोध में हम लोग आए हैं कि ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तो उन लोगों की तुरंत गिरफ्तारी हो, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं।